हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टिप टॉप ब्यूटीज और मैं अंकिता। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है ये है हेयर स्पा के ऊपर, यानी इस हेयर स्पा से आपके जो बालों की फ्रिजनेस होगी ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगी अगर आप इसे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो। स्पा में आपको ओनली एंड ओनली है ऑलिव ऑयल का यूज़ करना है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो देन आप नारियल तेल का यानी कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इस स्पा में 3 स्टेप्स को ही फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा ऑयलिंग, सेकंड स्टेप होगा स्टीमिंग एंड लास्ट स्टेप होगा हमारा शैम्पू। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप घर पे ही बहुत अच्छे से हेयर स्पा कर सकते हैं। इस हेयर स्पा को करने में अप्रॉक्स 30 मिनट्स ही लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपने वीडियोस डालूं तो इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो हम फॉलो कर लेंगे हमारा फर्स्ट स्टेप, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो हम यहाँ पर फिगारो का ऑलिव ऑयल ले लेंगे। आपको किसी भी बोल में इसे निकाल लेना है और आपको इतना लेना है ताकि आपके हेयर्स रूट से लेकर आपको टिप तक बहुत अच्छे से ऑयलिंग करने। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑयलिंग की है तो पूरे बालों को बहुत अच्छे से ऑयल में एकदम भिगा दिया है। अब देख कर लेने के बाद मैंने 5 to 6 मिनट तक अपने हेयर को, स्कैल्प को बहुत अच्छे से मसाज दे दिया है। इसके बाद आपको सेकंड स्टेप में करना है, वो है स्टीम। तो आप क्या करें, एक पॉट में पानी, ढेर सारा पानी को गर्म कर लें और इस तरह से एक मोटे टॉल को ले लीजिए और क्या करना है आपको, इसे पानी में डिप करना है एंड पूरे अच्छे से पानी को निकाल लीजिए बाहर और अपने पूरे बालों को उसमें कवर करके आपको रखना है जब तक कि ये टॉवल ठंडा होना हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा देन फिर से हम इस प्रोसेस को करेंगे। तो इस तरह से आपको इसे छोड़ देना है। अभी ये गर्म है, इससे क्या होगा ना, अच्छे से स्कैल्प में आपके ऑयल जाएगा तो आपकी जो फ्रिजनेस होगी बालों की वो दूर हो जाएगी। तो ये भी गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, इतना है कि वो मुझे अच्छा लग रहा है इससे। और आप भी ध्यान रखें कि आपको भी इसे ज़्यादा गर्म नहीं छोड़ना ही लेना है। तो मैं इसे कुछ देर मसाज कर लूँगी, बहुत हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। एंड मसाज कर लेने के बाद आपको शैम्पू कर लेना है, आपको कंडीशनर लगाने की नीड नहीं है। और इसको सुखाने के लिए किसी भी हीटिंग अप्लायंस का यूज़ नहीं करें आप, या तो आप कॉटन टॉल का यूज़ कर लीजिए या फिर कॉटन टॉप होता है ना, उससे भी अपने बालों को ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। सो इस हेयर स्पा को आपको वीक में 2 टाइम्स करना है। आप इसे वीक में 2 टाइम्स करना स्टार्ट कर दें। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिजनेस है तो आप इसे 3 टाइम्स भी कर सकते हैं। वैसे 2 टाइम्स ही मैक्सिमम है, आपके हेयर के टेक्सचर है ना 2 to 3 वीक्स में ही सुधर जाएगी। फर्स्ट यूज़ के बाद आपको तो लगेगा कि हाँ आपके बाल में फ्रिजनेस थोड़ा कम है, तो इसे कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप कि आपको इसका रिजल्ट बेटर मिलेगा, क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट काफ़ी बेटर मिला है, दैट्स वाई मैंने इसे आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इसे जरूर फॉलो कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। एंड हाँ, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगी। अगर मैं जहाँ तक होगा आपकी पूरी इस क्वेरी को दूर करने की कोशिश करूँगी। तो फिर मिलते हैं, बाय, लव यू ऑल।